हे गाइस, इट्स मी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गना बी टेलिंग यू अबाउट और शो यू हाउ आई प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट और हाउ आई रिवाइज फॉर माय टेस्ट। तो अभी जो मैं लेक्चर अटेंड कर रही हूँ वो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आज की क्लासेस मैंने ऑलरेडी कर ली हैं। तो वो मैंने वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आज मेरे को आपको वीडियो में ये बताना है कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ, ना कि क्लासें कैसे करती हूँ। तो इसलिए वो वाला पार्ट मैंने शूट नहीं किया एंड मैं सिर्फ वही वाला पार्ट शूट करूँगी जहाँ पर मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो आपको तो पता ही है कि 20 को हमारा यकीन का टेस्ट है, पर मेरा अभी क्या है कि बैकलॉग चल रहा है, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है इस टेस्ट के लिए। एंड इसी वजह से मेरा पिछला टेस्ट भी छूटा था जो कि 13th को था। तो इस संडे को मैं अपना 13 वाला टेस्ट दूंगी, क्योंकि मेरा अब उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एंड हमको टेस्ट नहीं छोड़ने चाहिए, भले हम थोड़ा सा एक वीक बाद दें, पर हमको टेस्ट तो ज़रूर देने चाहिए। तो इसलिए जब अभी मेरा 20th वाले टेस्ट का सिलेबस नहीं हुआ है, तो मैं पहले अपना 13th वाले टेस्ट को ही दूंगी। So in this video, I'll be revising about that only. तो ये सिलेबस है टेस्ट का जो कि मैं देने वाली हूँ। तो आज मैं क्या क्या सोच रही हूँ कम्प्लीट करने का, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करूँ एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिस्ट्री का मैं थर्मो भी आज ही कम्प्लीट कर लूँ। तो जो बचेगा वो है लॉज ऑफ मोशन और प्लांट किंगडम, तो वो मैं कल रिवाइज कर लूँगी। तो आज का जो भी टारगेट है मैं उसको देखती हूँ, मैं पूरा उसको करने की कोशिश करूँगी एंड अगर कुछ रह भी जाता है तो वो कल कर लेंगे। सो अभी इसी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं करने जा रही हूँ बायोलॉजी। सो द चैप्टर आई एम गना स्टार्ट विथ इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। तो मैंने सोचा कि उस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की एनसीईआरटी ना मैं सच बताऊँ तो मैंने बहुत बार रीड नहीं की है, मैंने एक ही दो बार रीड की होगी। क्योंकि क्या है ना, आप पता नहीं रिलेट कर पाओगे कि नहीं, तो एनसीईआरटी के कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना जिनकी एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। मतलब उसमें ऐसे पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मन ही नहीं करता कि उसको खोल के भी देखो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि मेरे को इसकी एनसीईआरटी नहीं पसंद है। एंड कुछ कुछ चैप्टर हैं ही ऐसे, तो ऐसे चैप्टर के लिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ अपने लेक्चर नोट्स या फिर मेरे नोट्स। तो इस चैप्टर का मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, पर आजकल क्या है कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं एंड एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इसके लिए हमको वापस से एनसीईआरटी तो रीड करनी ही पड़ेगी यार, चाहे जैसी भी हो एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर नीट एज़ एवरीबॉडी सेज इट। तो हमको एनसीईआरटी तो रीड करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, कितना भी घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दी हो, पर पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही। तो अभी मैंने एनसीईआरटी जो रीड कर ली है, तो मैंने पेज नंबर 290 से लेके पेज नंबर 297 तक मैंने ये पूरा पार्ट रीड किया है। तो अभी मैं जाके सिर्फ इसी पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आई एम यूजिंग दिस अभ्यास बैच। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि पेज नंबर वाइज क्वेश्चन गिवन है, तो आपने जितने भी एनसीईआरटी के पेज रीड किए हैं आप उसके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर किसी दिन आपने एक पेज रीड किया या दो पेज रीड किया, पांच पेज रीड किया, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड यू नो एक और अच्छी बात क्या है इस बैच की, तो इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड वो आपसे गलत हो जाता है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे ही आपको उसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की लाइन भी दे दी जाती है एंड इवन समटाइम आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। तो ये बैच फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड अगर आपको बैच पसंद नहीं आता है, तो इसमें 3 डेज फुल रिफंड पॉलिसी भी अवेलेबल है। तो जैसे अगर आपको बैच पसंद नहीं आता है तो आप 3 दिन के अंदर उसका पूरा रिफंड पा सकते हो। वैसे तो ये केस बहुत ज़्यादा रेयर होगा, क्योंकि ये बैच है ही इतना अच्छा कि आपको पसंद आएगा ही आएगा, पर इन केस अगर आपको नहीं आता है तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पे दिखाता है कि कितने परसेंट लोगों ने उसको सही किया है एंड कितने परसेंट लोगों ने उसको गलत किया है। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि बच्चों को वो क्वेश्चन कैसा लगा, डिफ़िकल्ट था या इजी था। एंड जैसा कि ये डायग्राम का क्वेश्चन है, तो डायग्राम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लेबलिंग पूछ सकता है कभी भी। तो इसको मैं यहाँ पे बुकमार्क कर दे रही हूँ, तो जब भी मेरे को इसका रिवीजन करना होगा तो मैं डायरेक्टली बुकमार्क वाले सेक्शन में जाके इन क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकती हूँ।
So what I want to say about this batch is that this batch is literally the game changer. It has NCRT based question and everything. So if you want to check this batch out, I will provide the link in the description so you can check it out from there. तो अभी मैं करने जा रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज़। तो इसको रिवीजन के लिए मैं ये एनसीईआरटी मैप्स नाम की सीरीज़ है उसको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उसमें भी सर सुधांशु सर ने ही पढ़ाया है, तो मैंने सोचा कि उसी से रिवीजन कर लेते हैं। एंड आई हैव माय कॉपी विथ मी, क्योंकि रफ तो आप जानते हो कि मैं बहुत लिखती हूँ। एंड इसको देख के कोई कुछ पहले कमेंट करे, इसके पहले मैं बता दूँ कि मैंने ब्रेक में बनाया था। एंड वैसे भी ये रफ कॉपी है, तो क्या बनाऊँ ना बनाऊँ उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी मैं ये वाला लेक्चर देखने जा रही हूँ, तो ये वन शॉट है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि आखिर रिवीजन करें कैसे, ठीक है? तो मैं अपना बता देती हूँ, ठीक है? आपके लिए वो हो सकता है कि आपके लिए वो वर्क करे या ना करे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ। मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं रिवीजन करना कैसे प्रेफर करती हूँ। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आई मोस्टली प्रेफर डूइंग द वन शॉट, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरे चैप्टर को हम एक समराइज लेक्चर के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। एंड जो 10 लेक्चर होते हैं उसको हम एक साथ 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। एंड एक बार चीज़ें पूरी एक बार दिमाग में वापस से वो घूमने लगती हैं, तो चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी हो जाती हैं। एंड फॉर बायो आई मेनली प्रेफर रीडिंग द एनसीईआरटी एंड शॉर्ट नोट्स, या फिर लेक्चर के नोट्स देखना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अभी मेरे पास शॉर्ट नोट्स सारे चैप्टर के तो नहीं है, पर मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम के पहले तक मैं पूरे उसको कंप्लीट कर लूँ। तो आप कैसे रिवीजन करते हो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई रिप्लाई टू दैट। सो अभी आई एम गोइंग टू डू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन। सो जो टॉपिक आ रहा है वो है फंगाई वाला टॉपिक, तो मैं उसको एनसीईआरटी से प्लस लेक्चर नोट्स को रिव्यू करूँगी। तो ये उम्मीद 2021 के लेक्चर नोट्स हैं, तो मैंने उसका लेक्चर देखा था, तो मैंने सोचा कि इसी को रिव्यू कर लेते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। तो ये फंगाई वाला पोर्शन रीड करने के बाद मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी मेरे को रिवीजन करना था। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ कि मैं अपनी रिवीजन कैसे करती हूँ, तो या तो मैं वन शॉट या फिर क्लास के नोट्स या फिर अपने नोट्स एंड ऑफकोर्स एनसीईआरटी से, तो इन सबको घुमा फिरा के मिला जुला के ही मैं अपनी रिवीजन करती हूँ। सो नाउ दैट आई एम डन विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू डिडंट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई लव यू गाइज सो मच, बाय गाइज।